हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट ऑन असम एससीईआरटी डीएलएड पैट 2024 का लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और फुल स्क्रीन मॉक टेस्ट साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर अकेडमी। ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 300 रुपीज़ फीस पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द नेम ऑफ द ड्रग दैट इज एसोसिएटेड विद द प्लांट सोर्स ऑफ कॉफी और ट्री। ऑप्शन सर ओपियम, पॉपी, निकोटिन, कैफेरिन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी कैफेरिन। ये याद रखना, कैफाइन जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वार एज वेल एज बाजरा ग्रोस इन द रीजन हैविंग, तो कौन से रीजन पे कह सकते हैं ज्वार साथ ही साथ बाजरा ग्रो होता है। हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, लो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, नो मॉइस्चर, ये ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी लो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सी दैट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज एन ओशनिक डेजर्ट। ऑप्शन था सार्गासो सी, रेड सी, उसके बाद सी ऑफ जापान या ऑप्शन डी अरेबियन सी। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी सार्गासो सी। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर्ड द टर्म इकोसिस्टम। ऑप्शन सर ओडम, एल्टन, आर्थर जी टर्न्सले या क्लेमेंट्स। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी आर्थर जी टर्न्सले। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ विथ ईच अदर एलॉन्ग विथ देयर रेस्पेक्टिव एनवायरमेंट कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन सर बायोस्फीयर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर या लिथोस्फियर। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी बायोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑल्सो नोन एज फिनिशिंग सेंटर। ऑप्शन सर लिवरपूल, मैनचेस्टर, लंदन या आम्स्टरडम। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी लंदन, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। ऑप्शन सर एरिथिया, डेट्रॉइट, एल्डोराडो या ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एल्डोराडो। क्वेश्चन नंबर 8, विच सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। लीचिंग होता है हैवी रेनफॉल की वजह से, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल या एलुवियल सॉइल। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी लेटराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 9, रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रेंट सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं। लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, फेवरेबल ट्रेड या ऑप्शन डी फ्री ट्रेड। इसका राइट आंसर होगा देखो लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। तो सबसे कौन सा ओल्डेस्ट कह सकते हैं आयरन और स्टील प्लांट इंडिया पे, टिस्को, बिलाई स्टील प्लांट, रोरकेला या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी टिस्को। क्वेश्चन नंबर 11, विच अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेंटेनिंग द NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या नेशनल हाईवेज को मतलब कह सकते हैं जो मेंटेन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी चेन्नई पोर्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको। थैंक यू सो मच।